भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 जून से नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता टाउन एरिया और ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को बताने के साथ साथ पात्र लोगों को इसका लाभ दिलाने का भी काम कर रहे हैं। चौपाल कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को वार्ड नंबर 14 गायत्री नगर में पार्षद रमेश गुप्ता द्वारा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने शिरकत कर क्षेत्र के डॉक्टर और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। इस दौरान क्षेत्र के डॉक्टरों और पूर्व सैनिकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के समक्ष रखा, जिसे सुनकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने उनकी समस्याओं पर जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, हमारे बीच में आयकर और बिक्री करके सुविधा मेजर ये बजाते रहे। मैं श्रीमान से आग्रह करना चाहता हूँ कि छोटी सी लाइब्रेरी और बच्चों का ट्यूशन पाठ व्यवस्था अगर आपके माध्यम से हो जाती है तो हमारे मोहल्ले की उन्नति में चार चार बच्चे की काफ़ी सहूलियत और सौभाग्य उत्पन्न हो जाएगा। आपके माध्यम से सर्वेक्षण करके माननीय पार्षद द्वारा उनका नामीकरण करा करके देश और उसके विचार विमर्श करें, जिससे आने वाली पीढ़ी देश के लिए मर मिटने को तैयार है। दूसरे को क्यों दिया जाए, नहीं संभव हो पाता। हाँ, वरीयता इसी लाते हम पूर्व सैनिकों को 2% का रिजर्वेशन देते हैं, 3% करना यही दे सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि हर सैनिक के परिवार को नौकरी दे दें, पूरी गवर्नमेंट दे दे। हम 3% देते हैं ताकि उसके लड़के को जरूर अगर योग्यता से थोड़ा कम भी है वो भी मिल जाए। कितने तक वो किया जा सकता है, इससे अधिक की स्थिति कहाँ से आएगी बताओ। और क्या हुआ वहाँ सर, कितना सफल रहा वो कार्यक्रम? नहीं, हम हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी तय किया सभी लोगों ने कि प्रमुख व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम, उनसे जनसंपर्क का कार्यक्रम, उस जनसंपर्क के कार्यक्रम के आधार के उस पर मैं उस डॉक्टर से भी मिला हूँ और उसके बाद पूर्व सैनिकों से भी उनके घरों पर जाकर के मिला हूँ, उनका हालचाल लिया हूँ। तो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को करने को ये कहा गया है, तो जिसके निमित्त हम गए थे और बहुत ही अच्छा सफल रहा।